हमारे इस जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम भरोसा करते हैं और भरोसे के नाम पर किसी से झूठ भी बोलते हैं। लाइफ दो पहलुओं पे चलती है, ट्रुथ और लाइज, और हम हमेशा इन सच और झूठ की सच्चाई जानने में बेताब होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य इस बड़े आसमान के पार होगा, पर हम इसके बारे में कम ही जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य हमारे ही मन के गहराइयों में छुपे हुए हैं। चार्ली चैपलिन मूवी का टाइम ट्रैवलर। तो पहले इस टाइम ट्रैवलर मिस्ट्री को जानते हैं। तो साल 2010 में एक फिल्म मेकर और चार्ली चैपलिन के फैन ने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसका टाइटल था चैपलिन टाइम ट्रैवलर। इस वीडियो ने कुछ ही दिनों में यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज कमाए। ये एक डिबेट टॉपिक बन गया था पूरी वर्ल्ड की मीडिया के लिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लार्क एक सबप्लेन करता है एविडेंस एक टाइम ट्रैवलर के जो उसको मिले चार्ली चैपलिन के मूवी द्विवेदी में। जॉर्ज क्लार्क जब हॉलीवुड के एक चाइनीज थिएटर के मूवी प्रीमियर को देख रहे थे तब उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग नोटिस किया। जब वो ये प्रीमियर देख रहा था तब उसने ये देखा कि एक फेक जेब्रा के पीछे एक लेडी कोट पहने किसी से फोन पे बात कर रही थी। बट वेट, अभी थे 1928 में। इससे इस घटना की चर्चा हर जगह होने लगी, बट क्या वो सच में मोबाइल फोन है? तो चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, अगर वो लेडी सच में एक टाइम ट्रैवलर होती तो वो 1928 में मोबाइल से बात कैसे कर रही है, क्योंकि 1928 में तो नेटवर्क टावर भी नहीं थे। तो क्या ये साबित होता है कि ये कोई टाइम ट्रैवलर नहीं है? तो आखिर उस लेडी के हाथ में था क्या? तो 1928 में एक डिवाइस फाउंड किया गया था जो काम सुनने वाले लोगों को काम में आता था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उस लेडी के हाथ में वही हियरिंग डिवाइस होगा, कुछ कहते हैं कि उसके हाथ में एक सी शेल है, या फिर क्या वो सच में एक मोबाइल फोन है। जब जॉर्ज क्लार्क का इंटरव्यू लिया और उनसे वापस इस घटना के बारे में पूछा गया तो उनको वो लेडी सच में एक टाइम ट्रैवलर ही लगती है। वो ये तक कहते हैं कि वो खुद चार्ली चैपलिन है और वो हम मूवी का प्रीमियर देखने टाइम ट्रैवलर करके आए थे। बट द रियलिटी इज ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग। कैसे के पास इसका आंसर नहीं है, पर आप लोगों के इस मिस्ट्री के बारे में क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये लेडी कोई टाइम ट्रैवलर नहीं है, इसके टाइम ट्रैवलर होने के बहुत ही कम चांसेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक नई टाइम ट्रैवल मिस्ट्री की वीडियो हम जल्द से जल्द ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।